मन चंचल होता है तो दृष्टि पहले चंचल होने लग पड़ती है और कर्मेंद्रियां घड़ी घड़ी चंचल होने लग पड़ती है। फिर वो सेवा करेगा कि डिस्टर्बेंस करेगा, है? तो मनसा सेवा का पहला मूल मंत्र है मनसा एकाग्र होना।
जितनी मनसा एकाग्र होगी उतनी बैठे बैठा ही सेवा होगी। चारों तरफ से आत्माएं स्वतः ही आती जाएगी सेवा लेने के लिए। दो हजार चार के बाद तू इधर आ गए बोलो। और ये जब तक जीना है तब तक पीना है ये कहाँ चला गया वाक्य है? ये बोला है कि नहीं जब तक जीना है तब तक पीना है? नहीं बोला किसके लिए है? उन ब्राह्मणों के लिए बोला है जो देवान में ही जीते हैं। जब तक देवान में जिंदा है तब तक उनको क्या करना है? ज्ञान अमृत पीना ही पीना है, दूसरा कोई उपाय नहीं। दो हजार चार तक अमृत वेला रहेगा। 2004 तक अमृत वेला रहेगा और 2004 के बाद दिन हो जाएगा, इसलिए पुरुषार्थ में जो करेंगे तो धीमा ही होगा। अच्छा 76 के बाद दिन नहीं हो गया? बाबा ने तो बोला था मुरली में सन 76 साल के बाद नई दुनिया आ जाएगी, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। तो हो गई क्या? सबके लिए हो गई या कोई के लिए हो गई? बोलो कोई के लिए हो गई। ऐसे ही 2004 के आसपास ही बोला तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात बाप दादा ने दी है। तो जिन बच्चों को सौगात नई दुनिया की दी है उनके लिए ये बात लागू होती है या सबके लिए लागू होती है? उन्हीं के लिए लागू होगी, उनके लिए दिन क्या और रात क्या, सेवा से उन्हें फुर्सत ही नहीं मिलेगी। फुर्सत लेना चाहे तो भी फुर्सत नहीं मिलेगी। देवियों का पूजा होती है असुरी संप्रदाय, देवियों को पूजा होते हैं असुरी संप्रदाय, देवियों की पूजा होती है असुरी संप्रदाय। अच्छा देवी की पूजा करने वाले हैं आसुरी संप्रदाय, माना जो सिंगल देवी की पूजा करते हैं देवता को छोड़ देते हैं क्या? जो देवी की जागरण करते हैं तो घड़ी घड़ी आवाज लगाते हैं जय माता दी, सारी रात आवाज लगाते रहे जय माता दी जय माता दी। पिताजी कहाँ चला गया? माता दी विधवा है क्या? भारतवर्ष में विधवाओं की मान्यता है क्या? नहीं, लेकिन भक्तों को वो बापूजी नहीं दिखाई देता, क्या दिखाई देती है? जय माता दी। रावण भी उन्हीं की लिस्ट में था ना, रावण किसकी पूजा करता था? देवी की भी पूजा करता था। तो सिंगल की पूजा करना वो अच्छा नहीं है। द्वापर युग में पहले प्रवृत्ति मार्ग के देवताओं की पूजा हुई है या निवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की पूजा हुई है? पहले प्रवृत्ति मार्ग के देवी देवताओं की पूजा हुई है। देवी देवताएं होते ही है पवित्र और प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग वाले, जो निवृत्ति में होते हैं वो देवी देवता होते ही नहीं।
शंकर माना मिक्स, उसमें तीन आत्माओं का सम्मिश्रण है। एक शरीर में तीन आत्माएं पाठ बजाने वाली, ब्रह्मा की सोल, शिव की सोल और राम की सोल। तीनों का जब पाठ एक शरीर में मिक्स होता है तब कहा जाता है शंकर। और जब सिर्फ साकारी पाठ बजता है तब कहेंगे प्रजापिता, माने राम वाली आत्मा। प्रजापिता पतित को कहा जाता है या पावन को कहा जाता है? पतित को कहा जाता है प्रजापिता। 500-700 करोड़ मनुष्य सच्ची का पिता, आखिरी मनुष्य आत्मा जब तक इस सच्ची पर मौजूद है तब तक प्रजापिता को भी सच्ची पर साकार तन से मौजूद रहना पड़े। साकारी शरीर से साकारी पाठ भी बजाते रहना पड़े। दोनों झाड़ू नहीं खड़ी है, प्रकृति माता दोनों हाथ में झाड़ू लेकर खड़ी है। झाड़ू अपने आप कैसे खड़े रहेंगे? ये उस समय की बात बताई जबकि कुमार का दादी ने अपना शरीर नहीं छोड़ा था, लोकलाज के बंधन में बंधी हुई थी ब्राह्मण आत्मा। अंदर से सच्चाई को जानते हुए भी सच्चाई को ओगल नहीं सकती थी। तो जब साकार शरीर छोड़ दिया तब संदेश में बताया गया कि दादी ने प्रकृति से हाथ मिला लिया, माना प्रकृति माता को अपना सहयोगी बना लिया। प्रकृति पांच तत्वों को कहा जाता है और माया पांच विकारों को कहा जाता है। रावण के कितने शीश, कौन कौन से पांच विकार माया रावण के, और प्रकृति के पांच तत्व जड़ तत्व। प्रकृति माता है वो झाड़ू लेकर के तो पहले से ही खड़ी हुई है, तैयार खड़ी है, तब झाड़ू लगाऊं और कीड़े मकोड़ों की सफाई करूं इस यज्ञ से। ये ब्राह्मणों का परिवार है ना, इस ब्राह्मणों के परिवार में ब्राह्मण सो क्या बनने वाले हैं? ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हैं। और देवता बनने से पहले लक्ष्मी का आवाहन होना है। तो भारतवर्ष में लक्ष्मी के आवाहन की यादगार दिन मनाया जाता है, कौन सा? दीपावली। वो प्रैक्टिकल मनाया गया है या ऐसे ही मनाया जा रहा है? प्रैक्टिकल मनाया गया है। दीपावली होने से पहले लक्ष्मी का आवाहन किया गया है और लक्ष्मी का आवाहन तब ही होता है जब घर परिवार में से कीड़े मकोड़ों की सफाई हो जाए। नहीं तो ये कीड़े मकोड़े बिच्छू चिंडन क्या करते रहेंगे, गंध फैलाते रहेंगे मकान में। इसलिए प्रकृति पहले से ही झाड़ू लेके खड़ी है दोनों हाथों में, राइट हैंड में भी
और लेफ्ट हैंड में भी इंतजार कर रही थी, और अब तो उसने हाथ दे दिया किसको है? तुम्हारका दादी को हाथ दे दिया मिलाने के लिए। अब माया और प्रकृति दोनों इकट्ठे वार करेंगे। तो अभी तक तो माया की लड़ाई थी, और अब माया और प्रकृति दोनों मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। जो प्रकृति जी तो होंगे वो विजयी रहेंगे, और जिन्होंने माया और प्रकृति को हार खिलाना अभी तक नहीं सीखा है चांस देना सीखा है, उनको कीड़े मकोड़ों की तरह झाड़ू की मार लगेगी। ज्ञान ज्ञान सब भूल जाएंगे। आप एक कैसेट में बताया है एडवांस नॉलेज का कन्या माता है, एडवांस नॉलेज का कन्या माता है, जितना राज करेंगे बेसिक नॉलेज का कन्या माता है इतना नहीं कर नहीं सकती। क्या करेंगे? एडवांस नॉलेज का कन्या माता है जितना राज करेंगे राज तो ठीक है, तब शुरू होगा जब बाप गुप्त हो जाएगा। जैसे ब्रह्मा बाबा गुप्त हो गए तो बेसिक नॉलेज की कन्याओं माताओं ने राज्य किया कि नहीं किया किया? ऐसे ही एडवांस में भी बाप बच्चों को चांस देगा, क्योंकि कोई कोई के अंदर ये हिम्मत रहती है कि हम भी कंट्रोलिंग पावर हमारी मुट्ठी में भी आनी चाहिए, हमारी शूटिंग भी होनी चाहिए राजाई की। जैसे इंचार्ज ब्रह्मा कुमार कुमारियां कोई होते हैं बहुत कंट्रोल करते हैं, क्या सारी राजाई अपने मुट्ठी में ले लेते हैं। तो ऐसे बहुतों के अंदर ये हिम्मत रहती है, इच्छा रहती है, कि हम भी पूरे परिवार को कंट्रोल करें। तो बाप तो सबकी इच्छाएं पूरी करने के लिए आए हैं, इच्छाएं सबकी पूरी होंगी। ये बात अलग है कि कौन कैसा शासन चलाता है। दीदी दादियों ने भी शासन चलाया, ब्राह्मण परिवार में शासन चलाना चाहिए या प्यार देना चाहिए? बाप तो आए हैं, कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। बाप तो सेवादारी बन करके आते हैं, बच्चों के सेवक बनते हैं, और बच्चों के अंदर ये इच्छा है कि हम कंट्रोल करें, शासन करें। तो ये इच्छा भी पूरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए है? जो लक्ष्मी जैसा पार्ट बजाने वाली होंगी वो प्यार के आधार पर शासन करेंगी, या दीदी दादी दादाओं की तरह शासन करेंगी? वो प्यार के आधार पर शासन करेंगी। और माँ काली के रूप में जो पाठ बजाना होगा तो कैसा शासन करेंगी? संकल्पों का खून बहाती जाएंगी, शासन करती जाएंगी।
अभी तो बताया कोई की इच्छा है ब्राह्मण बनने के बावजूद भी इच्छा है तो संगम युग में उसकी इच्छा की पूर्ति होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए तो होती है। कोई की इच्छाएं लक्ष्मी पूरी करती है और कोई की इच्छाएं जगदम्बा पूरी करती है। शंकर जी के मंदिर में अच्छा क्या है? शंकर जी के मंदिर में जो बैल रहता है वो बैल कौन है? हाँ, शंकर जी के मंदिर में बैल रहता है। अच्छा, जो पुराने पुराने मंदिर है वो शिव मंदिर है और शिव मंदिरों में शंकर की भी मूर्ति होती है, इसलिए उनको शंकर जी का मंदिर कहते हैं। लेकिन शिव मंदिर में जो बैल दिखाया जाता है वो नाली की तरफ दिखाया जाता है या इधर उधर दिखाया जाता है? नाली के मुंह पर, माने जिसका मुख नाली की तरफ हो वो बैल है। बुद्धि कैसी हो गई? हाँ, बुद्धि ऐसी हो गई जानवरों जैसी, जैसे जानवर को वो जानवरियत ही याद रहती है। मनुष्य होगा तो मनन चिंतन मंथन करेगा, जानवर मनन चिंतन मंथन करेगा क्या? और उसको रग लगेगी तो किस चीज की रग लगेगी? कहाँ मुंह होगा उसका? मुंह नाली की तरफ होगा। इसलिए दिखाया है शिव मंदिर में बाप भी बैठा हुआ है। कौन? शिव मंदिर में बाप कहाँ बैठा हुआ है? कौन है बाप? शिवलिंग है, शिवलिंग। वो लिंग आकार प्रजापिता की निशानी है और जो जलाधारी रखी हुई है जिसमें लिंग रखा है वो माता की निशानी है। और कलयुग अंत में या द्वापर में भी जो कृष्ण बच्चा है वो माता का पति बनकर के बैठ जाता है। गीता माता का क्या बन जाता है? पति बन जाता है। तो उसकी बुद्धि कहाँ होगी? अत्याचार हो गया। इसलिए भक्तों ने देखो क्या क्या बैठ बनाया है। ये वो ज्योति बिंदु है, वो निराकार है, एवर प्योर है, वो जानवर में प्रवेश करेगा या मनुष्य में प्रवेश करेगा? मनुष्यों को सुधारने के लिए आएगा या जानवर बुद्धियों को सुधारने के लिए आएगा? है, मनुष्यों को सुधारता है शिव। मनुष्य मनन चिंतन मंथन करने वाले को कहा जाता है और जो मनन चिंतन मंथन ही न कर सके वो मनुष्य नहीं, क्या है? जानवर। शिव का प्रवेश ब्रह्मा में भी हुआ और शिव का प्रवेश शंकर में भी होता है। किसने मनन चिंतन मंथन किया और किसने नहीं किया? शंकर का मनन चिंतन मंथन है
और ब्रह्मा का मनन चिंतन मंथन नहीं है। जो शिव ने बोल दिया बस उतना ही रिपीट कर दिया, सुन लिया और सुना दिया, सुनने सुनाने तक सीमित रहा। उनसे ज्यादा मनन चिंतन मंथन तो ओम राधे मम्मा ने करके दिखाया। तो बताओ बैल किसकी निशानी है? शिव बैल पर सवारी करेगा या मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य पर सवारी करेगा? शिव मनुष्य पर सवारी करता है और मनुष्य जब तक अज्ञानी है, पुरुषार्थी है, तब तक जानवर बुद्धियों को कंट्रोल करने का प्रयास करेगा। इसलिए कहा जाता है नेपाल में पशुपतिनाथ, किसका नाथ? पशुपतिनाथ। बाया दाया पड़ा हुआ खड़ा हुआ क्या? अलग माना खड़ा हुआ डंडा। अरे वो माता क्या पूछ रही है, सोचो देखो। उसने पूछ रहे लेफ्ट आई कौन है, राइट आई कौन है, बाएं हाथ कौन है और दाएं हाथ कौन है? हाँ, जो शिव को भगवान के रूप में भक्तों ने दिखा दिया है, शंकर भगवान, उनको तीन नेत्र दिखाए हैं, एक दाया नेत्र, एक बाया नेत्र और बीच में खड़ा हुआ नेत्र। जो खड़ा हुआ नेत्र है वो शिव नेत्र कहा जाता है। वो सदैव ज्ञान देने के कार्य में लगा रहता है, चाहे रात हो चाहे दिन हो, वो सेवा कार्य में ही लगा रहता है, खड़ा हुआ है। बाकी जो दाया नेत्र है वो ब्रह्मा का सूचक है, अच्छा देखता है, अच्छा ही देखता है, और बाया नेत्र कमजोरियां देखता है, बुरा देखता है, बुरों को नोट करता है। वो भी कल्याण है, नहीं तो बिना आए के दुष्कर्म कैसे होगा? सीढ़ी में क्लास सुनते हैं तो स्वर्ग में आएंगे, ऐसे तो नहीं बोला। ये बोला है मेरे अक्षर मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा? क्या क्या बोला? मेरे मुख से इसके मुख से नहीं। सन्मुख से नहीं, मेरे मुख से। कौन हुआ मेरे मुख? है? जो मुकर्रर रथ है वो मेरा मुख है, जो टेम्परेरी रथ है वो मेरा मेरा नहीं है। अपनी चीज को उलट सुलट चाहे जैसे काम में यूज कर लो, लेकिन पराई चीज को ठीक से यूज करना पड़ता है। तो ब्रह्मा का तन हुआ टेम्परेरी रथ,
और एक है मुकर्रर, उसके लिए बोला कि मेरे मुख से दो अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा, माने जरूर आवेगा, लेकिन सुने ध्यान देकर, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल न दे। सीढ़ी में देखने की बात नहीं है, सीढ़ी दृष्टि नहीं देती है, सीढ़ी में वाइब्रेशन नहीं मिलता है, सीढ़ी सिर्फ आवाज सुनने का साधन है और एक्टिंग देखने का साधन है, बाकी वाइब्रेशन की ताकत नहीं मिलेगी। और सीढ़ी के चित्र से दृष्टि की ताकत भी नहीं मिलेगी। बाबा सत्तरी साल बीत गए यार, मगर सत्तरी साल बीत गए यार, उड़ीसा में दिल्ली फारुखाबाद और कांची की तरह एक मधुबन नहीं हो पाएगा। ये कमजोरी किसकी है, ये कमजोरी किसकी है? फरुखाबाद में पहले पहले मधुबन खुल गया एडवांस पार्टी का, और उड़ीसा में 70 साल के बाद भी अभी तक है? ये कमजोरी कहाँ से आई है? कहते हैं जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति लाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। अगर कोई को इस जीवन में मुहैया साधन मिलते हैं, बहुत साधन मिल रहे हैं, सुख साधन संपत्ति ज्यादा मिल रही है, तो उससे क्या साबित होता है? कोई इस ब्राह्मण जीवन में बहुत स्वतंत्र है, कोई प्रकार की अधीनता नहीं है, उसार्थ करने के लिए सारे रास्ते खुले हुए। तो ये प्राप्ति उसने कहां से की उन जन्मों में कुछ ऐसा कर्म किया है जो इस ब्राह्मण जन्म में स्वतंत्र बना है, कोई प्रकार का अधीनता नहीं है, सब प्रकार के साधन मिल रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहे हैं तो गलती किसी दूसरे की है क्या? है दूसरे की गलती है नहीं, स्वयं की गलती है। और उड़ीसा में भी मिनी मधुबन भले नहीं है, लेकिन कोई ऐसी आत्माएं हैं जो मिनी मधुबन का 24 घंटे लाभ ले रही है, ले रही है कि नहीं है? ले रहे कौन कौन ले रही है? अरे बोलो, बच्चे ले रहे कौन ना? कौन से बच्चे हैं वो उड़ीसा के, वो कौन से बच्चे हैं जो 24 घंटे मिनी मधुबन का लाभ ले रहे? नहीं ध्यान में आता, अगर वो लाभ ले रहे हैं तो उनके पूर्व जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब है या कोई थोपा गया है? जन्मों का हिसाब किताब है कि उड़ीसा में पैदा भी हुए, उड़ीसा में पैदा होते हुए भी वहाँ मिनी मधुबन नहीं है तो भी सरेंडर होके कहाँ पहुँच गए? मिनी मधुबन में पहुँच गए,
लाभ ले रहे हैं। तो कारण कहाँ से आता है? कोई भी प्रकार की प्राप्ति और अप्राप्ति का कारण आता कहाँ से है? बाबा को ये कहना क्यों पड़ा? उड़ीसा की आत्माएं ऐसा पुरुषार्थ करेंगी, ऐसा पुरुषार्थ में ऊंचा उड़ेंगी कि कोई पकड़ न सके। क्या मतलब हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि उड़ीसा में ऐसे लोग भी हैं कि जो कन्याएं माताएं पुरुषार्थ करती हैं ऊंचा उठने का, और वो उन्हें पकड़ लेते हैं, नीचे गिरा देते हैं। ऐसों की भरमार है, इसलिए मिनी बदवन नहीं खुल पाया। ऐसे तो नहीं कहेंगे, उड़ीसा वालों के लिए मिनी बदवन नहीं है, कलकत्ता है तो कलकत्ता है। ऐसे तो यूपी में भी बहुत से स्थान ऐसे हैं जहाँ से मिनी बदवन तक पहुँचने के लिए 10-12 घंटे लग जाते हैं। बिल्कुल होना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य क्या है? अरे एम आध्यक्ष क्या है? नारायण, नारी से लक्ष्य बनना, माने हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रवृत्ति मार्ग का निर्वहन करना, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग का। तो पवित्र प्रवृत्ति मार्ग को चलाने वाले जो टीचर होना चाहिए वो प्रवृत्ति मार्ग के होना चाहिए या निवृत्ति मार्ग वाले हो? प्रवृत्ति मार्ग वाले चाहिए। घर को विजय मनाओ युगल नहीं है, युगल नहीं है तो इसका क्या है? युगल बनाने की क्या है? अगर युगल नहीं है और ब्राह्मण बच्चा बन गया ना, तो जब ब्राह्मण बच्चा बन गया तो बिना माँ बाप के बन गया? बिना माँ बाप के बन गया क्या? प्रवृत्ति का नहीं है, निवृत्ति मार्ग वाला है क्या? प्रवृत्ति मार्ग वाला है। फिर उसके अंदर ये संकल्प क्यों आते हैं मैं अकेला हूँ? ये तो बेहद का आपके साथ ना। तुम हद में पैदा हुए और बेहद में पैदा हुए। और मैं जहाँ पर युगल है वहाँ पर फिर नीचे पड़ जाता है। अरे तुम कहाँ पैदा हो चुके हो? तुम हद में पैदा हुए या बेहद में पैदा हुए? अब तो हद का जन्म तो खत्म हो गया ना, तो ब्राह्मण जन्म मिल गया, ब्राह्मण परिवार के हो गए। तो जो ब्राह्मण परिवार के भांति है, चलो युगल नहीं भी है, कुमार है, तो कुमारों के लिए तो बाबा ने कितना बड़ा वरदान दिया है। क्या बोला है? कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। वो गीता पाठशाला में ही रुके हुए हैं। अरे कुमार तो भगवान के घर के भांति है, उनको कोई बंधन नहीं है जीवन का। कन्याओं को तो फिर भी बंधन होता है, उनका अपना तन ही बंधन है समाज के सामने। और आरुमु सुनते होंगे किए कौन करण धाम अच्छे किए कौन करण धाम नहीं सत्य क्या बोलो कह रहा है कि करम धाम है और कोई कह रहा है कि परमधाम नहीं है, ये क्या बात है? हाँ हाँ, परमधाम माना
आत्मा शरीर से मुक्त हो जाए। परम धाम माने क्या? परम धाम माना निसंकल्पित चित्त। तो अगर शरीर रहते ही निसंकल्पित चित्त बन जाए हमेशा के लिए, तो यही इस धरती पर परम धाम नहीं हुआ क्या? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो कुछ आत्माएं मुक्ति पाती है और कुछ आत्माएं जीवन मुक्ति पाती है, कुछ आत्माएं मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव शरीर रहते कर सकती है। इसलिए ऐसे नहीं है कि परम धाम कोई ऊपर है या नीचे है या दाएं है या बाएं है। पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है, वायुमंडल के चारों ओर आकाश है, स्पेस है, और स्पेस के उस पार चारों ओर परम धाम है। तो परम धाम को ये तो नहीं कह सकते कि ऊपर है कि नीचे है, इधर है दाएं है या बाएं है। परम धाम तो पृथ्वी और वायुमंडल और स्पेस आकाश उसके चारों ओर परम धाम है, लेकिन वहां पांच तत्व नहीं है, पांच तत्वों की पहुंच वहां नहीं है। और हमारे शरीर में आत्मा भी है और पांच तत्वों का संघात शरीर भी है। आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आते आते पांच तत्वों से बंध चुकी है, ये बंधन छूटता नहीं है। अभी बाप प्रैक्टिस करा रहे हैं अपन को आत्मा समझ, मुझे सदा मुक्त है बाप को याद करो, ऐसे बाप को याद करो जो कभी पांच तत्वों के बंधन में नहीं आता, परंतु पांच तत्वों वाले शरीर में इस समय मुकर्रर रूप से पार्ट बजाए रहा है। इससे यह साबित हुआ है कि जैसे बाप पार्ट बजा रहा है शरीर के अंदर रहते हुए, वो ऐसी प्रैक्टिस हमको भी करनी है। बाप जब चाहे शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाए, जब चाहे पार्ट न बजाए, ऐसे ही हमारी आत्मा की एकाग्रता भी ऐसी बन जाए कि जब चाहे तब हम शरीर में प्रवेश करें और जब चाहे शरीर से न्यारे हो जाए। उसको कहेंगे शरीर रहते रहते हमने मुक्ति और जीवन मुक्ति स्टेज को प्राप्त कर लिया। शरीर के रहते रहते जिंदा रहते रहते मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है या शरीर छोड़ने के बाद? माता जी, शरीर में आत्मा रहते रहते मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करना है या शरीर छोड़ने की बात करना है? क्या कह रही है? शरीर रहते रहते, तो जब शरीर रहते रहते मुक्ति जीवन मुक्ति का अनुभव करना है तो वो तभी अनुभव हो सकता है कि जब हम परमधाम को इस धरती पर उतार लें। इसका मतलब ये नहीं कि परमधाम है नहीं, परमधाम तो अपनी जगह पर है, पांच तत्वों की दुनिया से पार परे परम धाम है, लेकिन हम इस दुनिया में भी परम धाम की स्टेज बना सकते हैं। गंगा है, मैं क्या डिफरेंस है, क्या फर्क पड़ता है? गंगा अभी गुप्त है या प्रकट हो गई? अभी गंगा गुप्त है या प्रकट हो गई? गुप्त है तो गुप्त दूंगा, प्रकट हो जाए तो प्रकट दूंगा।
जो संस्करण वस्तु से ज्ञान जल निकल रहा है उसका क्या है? जटाओं से ज्ञान निकलता है, लेकिन जो चित्र बनाया उसमें कन्या का चित्र भी तो रखा हुआ है, वो भूल गया है? जो शंकर का जोड़ा है उस जोड़े में कन्या का चित्र दिखाया है नहीं दिखाया है? दिखाया वो किस लिए दिखाया है? इसका मतलब है कि कोई कन्या है जो एडवांस में भी ज्ञान में आ गई थी और पूर्व जन्म में बेसिक में भी ज्ञान में आ गई थी, वो अभी गुप्त है, इसलिए मुरली में बोला है अंत में निकली है ज्ञान गंगाएं। ज्ञान की ऐसी लहर फैलावेंगी कि बड़े बड़े सोए हुए सन्यासी जाग जाएंगे और तुम बच्चों की विजय हो जाएगी। और बाबा जो गंगा का तो पति कहा था कि वो गांधी कहने से मैं चल रहे थे, तब तो गंगा कहेगा रही है बोलने से हम चले जाएंगे, अब तो गंगा कहना रही गंगा कहने से चले जाएंगे, गंगा कहने से जाएंगे और गांधी बोलने से चले जाएंगे। गंगा की जो पति थे था ना, उन्होंने बोलते गांधी कहने से हम चल जाएंगे चले जाएंगे और गंगा कहने से जाएंगे। गंगा को बोला था क्या बोल रहे? गंगा गंगी क्या बोला? तुम्हारी बात ये उड़ीसा वाले ही नहीं समझ पा रहे, वो देख रहे हैं तुम्हारे मुंह की तरफ। बोलो बाबा, शांतनु जो गंगा को शादी किया था तो गंगा शर्त रखी थी कि जब तक मुझे गंगा पुकारोगी मैं रहूंगी, गांगी बोलने से मैं चली जाऊंगी, इसका ज्ञान में क्या रहता है यही पूछते हैं। अरे शांतनु कौन है वो तो पहले समझ लो, भारतवर्ष जो नाम पड़ा है वो भरत के नाम पर भारतवर्ष नाम पड़ा है, और भरत के वंश में बहुत जन्मों के बाद, जैसे बाबा बोलते हैं बहुत जन्मों के भी अंत में मैं आता हूँ, तो उस समय परंपराएं बहुत जन्मों के बाद बदल जाती हैं भरत वंशियों की, जो श्रेष्ठ परंपराएं थी वो भ्रष्ट परंपराएं बन जाती हैं। तो उस सरणी में एक राजा हुआ शांतनु, नाम क्या पड़ा? शांतनु। इसका अर्थ क्या हुआ है? नो शांति है काल, जिसके मन में शांति थी ही नहीं। देह का सुख ही उसके मन में बसा हुआ था, जिसके मन में देह का सुख बसा हुआ हो उसके मन को शांति होती है क्या? ये कलयुगी राजाओं की निशानी है या सतयुगी राजाओं की निशानी है? ये तो पंचयुगी राजाओं की निशानी है। शांतनु नाम पड़ा, जो भी नाम पड़े हैं वो काम के आधार पर पड़े हैं या ऐसे ही नाम पड़ गए? काम ऐसा किया है नाम में, गंगा के बगैर चिन्ह, और गंगा चली जाए बच्चा दे जाए तो भी उनको चैन नहीं। तो देह के ऊपर जिनकी बुद्धि फिदा होती रहती है उनको शांति कभी जीवन में मिलती नहीं है। वो शांतनु हुए
उनसे जो पैदा होंगे वो देह अभिमानी पैदा होंगे या भगवान भगवती पैदा होंगे? जो भी सन्यासी हुए हैं उन्हें सन्यासियों में सबसे श्रेष्ठ नाम किसका गाया जाता है? भीष्म पितामह। हर धर्म वालों ने, खास करके भारतीय धर्म वालों ने, भगवान के चरित्र को फॉलो किया है। भगवान देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना करने आता है तो सात कृष्ण जैसे बच्चे वो बलि की वेदी पर चढ़ जाते हैं, कंस के हवाले हो जाते हैं, फिर आठवां नंबर बच जाता है। ऐसे ही सन्यासियों का कुल पैदा हुआ। कितने बच्चों की हत्या हो गई? सात बच्चों की हत्या होने के बाद उनको कहते हैं वसुदेव, वसु के अवतार थे। सात की हत्या हो गई, आठवां बच गया। जैसे कृष्ण जैसे सात बच्चे कंस ने कोस लिए, फिर आठवां कृष्ण बच्चा बच गया। उसके द्वारा दिखाया भक्ति मार्ग में गीता ज्ञान दिया गया। ऐसे ही भीष्म पितामह का जन्म हुआ। प्रश्न क्या था? गंगा पुत्र भीष्म। क्वेश्चन है कि जब तक वो गंगा कहेगी संतनो तब तक गंगा उसके पास रहेगी और गांगी कहने से चली जाएगी? नहीं, उनका ये था शर्त कि मैं कुछ भी करूं तुम कुछ नहीं बोलोगे। अगर तुम मेरे को रोकोगे, प्रश्न करोगे, कारण जानना चाहोगे तो मैं चली जाऊंगी। और दादा आप एक चैप्टर में बताया है एडवांस नॉलेज का कन्या माताओं को भी मैंने जल में डूबेंगे, विसर्जन करेंगे क्या? एडवांस बीज है या जड़ है? बीज रूप आत्माओं का संगठन एडवांस कहा जाता है और जो जड़ रूप में बैठे हुए हैं आधारभूत, वो जड़ें जैसे कमजोर होती है, विस्तार को पाने वाली होती है, विस्तार में सार नहीं होता। और बीज सार होता है, तो एडवांस में ज्यादा ताकत है या आधारभूत आत्मा में ज्यादा ताकत है? एडवांस बीज रूप आत्माओं में ज्यादा ताकत है। उन बीज रूप आत्माओं को जब तक साकार का सहयोग मिल रहा है, साकार में तब तक उसी तरह नियंत्रण में रहता है जैसे ब्रह्मा बाबा जब तक जीवित थे तो ब्राह्मणों का परिवार नियंत्रण में रहा, और जैसे ही ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा दीदी दादी दादाएं गद्दी नसीन होकर के बैठ गए और बाद में फिर एडवांस ज्ञान निकल पड़ा। भगवान बाप प्रत्यक्ष होता है जिनकी बुद्धि में, तो फिर वो डूबी जा कर देते हैं। ऐसे यहाँ एडवांस पार्टी में भी होगा,
जो दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं, जिन्होंने पूरा पूरा भगवान बाप को नहीं पहचाना, घड़ी घड़ी संशय आते रहते हैं, वो पहले तो देवियों की खूब पूजा करेंगे और अंत में जब भगवान बाप फिर प्रत्यक्ष होगा और उनकी बुद्धि में बैठेगा, उनके सच्चाई का असली स्वरूप क्या है, तो देवियों की फिर भी डर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ईश्वर ये रूप देवी का नहीं है, देवियों का नहीं है। ईश्वर जो रूप है वो कोई पुरुष तनधारी का है। ईश माने शासन करना, वर माने श्रेष्ठ। जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन करने वाला है वो ईश्वर है, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शासन प्यार का होता है। कोई प्रकार की जोर जबरदस्ती से जो शासन किया जाता है वो वर अर्थात श्रेष्ठ शासन नहीं कहा जा सकता। भगवान ही धरती पर आकर के श्रेष्ठ शासन करता है, इसलिए उसको ईश्वर कहा जाता है। किसको किसको दिखाई गई चार बुझाए? विष्णु को। हाँ, इसका अर्थ भुजा माने सही होगी, मददगार। घर में भैया शरीर छोड़ देता है तो कहते हैं मेरी दाई भुजा कट गई। अब भुजा थोड़े कट गई, जो सहयोगी था वो चला गया। इस शरीर में ये भुजाएं सहयोग का काम करती भी नहीं, ये आत्मा को सहयोग देने वाली भुजाएं हैं। तो ऐसे ही विष्णु की चार भुजाएं माने विष्णु जो पात्रधारी है वो भगवान का सहयोगी बनता है भगवान के कार्य में। विष्णु सर नहीं चलाता, जैसे रावण अनेक प्रकार के सर चलाता है, बुद्धि चलाता है, ऐसे मनमत और मनुष्य मत पर नहीं चलता है। विष्णु पात्रधारी अर्थात जैसे भगवान चलाता है वैसे चलता है, सहयोग करे। इसलिए चार भुजाएं दिखाई गई है विष्णु को, मुख नहीं दिखाई जाती। राज करेगा संसार। हाँ जी, पवित्रता राज करेगा। तो और चंद्रवंशी के बीच में सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों के बीच में चंद्रवंशियों को ज्यादा पवित्रता बिहार होते हैं, तो क्या वो राज करेंगे सूर्यवंशी राज नहीं करेंगे? लंबे समय तक शासन करने की आस मनुष्यों को होती है या भगवान पात्रधारी को होती है? शासन करने की आस किसको होती है? दूसरों के ऊपर कंट्रोल करें ये इच्छा ये आशा किसको होती है? मनुष्यों को होती है। जो भगवान है वो किसी के ऊपर शासन करने की इच्छा नहीं करता, स्वतंत्र रहो और स्वतंत्र रहने दो। स्वतंत्रता का सम्राट गाया हुआ है। स्वतंत्रता भगवान ही आकर के सिखाता है, बाकी तो जो भी मनुष्य मात्र है सब परतंत्र बनाने वाले हैं, उनमें खालसा भी ऐसा ही है। चलो।